हार्ट एक मिनट में 60 से 80 बार ब्लड पंप करता है, तो उसके अंदर क्या होता है, वो कैसे ब्लड पंप करता है, जानने के लिए आगे देखते रहिए इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरव, आप देख रहे हैं मेडिकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हार्ट का स्ट्रक्चर बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन मैंने एक ब्लॉक डायग्राम प्रिपेयर किया है जिससे आप बड़ी ही आसानी से समझ जाओगे कि हार्ट कैसे काम करता है, हार्ट कैसे ब्लड पंप करता है। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो, हार्ट के अंदर चार चैंबर्स होते हैं। अपर चैंबर्स को कहा जाता है एट्रियम, लोअर चैंबर्स को कहा जाता है वेंट्रिकल्स। तो इस हिसाब से चार चैंबर्स हुए, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पे आप देख सकते हो कि राइट पोर्शन जो है उसका कलर है ब्लू, लेफ्ट पोर्शन जो है उसका कलर है रेड। ये ऐसे ही कोई कलर कोडिंग नहीं है। राइट पोर्शन में होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होता है, इसलिए उसका कलर है ब्लू। लेफ्ट साइड वाले पोर्शन में जो ब्लड होता है उसका कलर है रेड, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन होता है। सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा थ्रू आता है राइट एट्रियम में। अब जब वो फिल हो जाता है तो राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वाल्व है जिसका नाम है ट्राइकस्पिड वाल्व, वो वाल्व ओपन हो जाता है तो सारा ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल में। अब वहां से वो जाता है पल्मोनरी आर्टरी थ्रू लंग्स में। जैसे कि पहले ही मैंने आपको बताया, वहां पे होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होता है, तो ऑक्सीजन रिफिलिंग के लिए वो ब्लड जाता है लंग्स में। अब ये लंग्स कैसे रिफिल करता है, लंग्स कैसे काम करता है, उसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूं, लेकिन यहां अभी आप इतना समझ लीजिए कि लंग्स रिफिल करता है ऑक्सीजन। वहां से पल्मोनरी वेज थ्रू जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है वो आता है लेफ्ट एट्रिया में। अब वहां पे ऑक्सीजन वाला ब्लड है, जब वो लेफ्ट एट्रिया फुल हो जाता है तो लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वाल्व है जिसका नाम है मिट्रल वाल्व, वो वाल्व ओपन हो जाता है तो सारा जो ब्लड है वो आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब वो रेडी है, उसके अंदर ऑक्सीजन भी है, तो वहां से वो पंप होता है एरोटा में और वहां से पूरी बॉडी में जो ब्लड डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन ये प्रोसेस ऐसा नहीं है कि पहले वो राइट वाला पोर्शन चलेगा फिर लेफ्ट वाला, ऐसा नहीं है, ये प्रोसेस कंटिन्यूअस प्रोसेस हो जाती है। तो दोनों ही चीज साथ में होती है, यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा लंग्स में, यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा एरोटा में। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलती है और एक ही बीट में ये दोनों काम हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पहले राइट साइड वाला पोर्शन चलता है और फिर लेफ्ट वाला, प्रोसेस इस तरह से है, लेकिन ये दोनों चीज साथ में ही ऑपरेट होती है। यहां से ब्लड पंप हुआ तो ऊपर जाएगा लंग्स में, यहां से हुआ तो जाएगा वो एरोटा में, तो वहां से वो डिस्ट्रीब्यूट होता सारी बॉडी पार्ट्स में। तो दोस्तों हार्ट कुछ इस तरह से काम करता है। हार्ट का काम है सिर्फ पंपिंग, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है लंग्स में और वहां से जो ब्लड आता है उसको पंप करता है एरोटा में, ताकि वो सारे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो सके। और ये जो चीज है वो एक मिनट में तकरीबन 60 से 80 बार करता है, अगर आप रनिंग कर रहे हो उस केस में 80 से 100 बार। तो दोस्तों हार्ट जो है इस तरह से कंटिन्यूअस काम करता है, इस तरह से वो कंटिन्यूअस ब्लड पंप करता है। तो ये सारी चीज हो गई हार्ट फंक्शन के बारे में, हार्ट कैसे ब्लड पंप करता है। आशा रखता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो एक लाइक जरूर से कीजिएगा, शेयर कीजिए वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, ताकि वो भी सीख सके हार्ट कैसे काम करता है। अगर ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और दबाइए बेल आइकन को, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करो। और जल्दी ही ऐसे फ्रेश कंटेंट के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।